वेलकम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह टाइगर फोर्स में अप्लाई करना है। तो टाइगर फोर्स पर अप्लाई करने के लिए कोई एक वेबसाइट तो नहीं है, लेकिन उसके लिए अलावा जो है इसका एक सोल्यूशन है, तो ये है कि पंजाब सिटीज़न पोर्टल जो है वो आप ऐप जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के बाद हम आगे देखते हैं कि आपने किस तरह से इस पर अप्लाई करना है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं, प्ले स्टोर ओपन किया आपने, तो प्ले स्टोर पर आपने सर्च करना है पंजाब सिटीज़न पोर्टल। तो ये आपके पास है, इसका ऐप जो है वो हमने इंस्टॉल करनी है। तो देखें, ये हमारी है पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल, इस पर हमने क्लिक किया। तो क्लिक करने के बाद आप इसको इंस्टॉल करेंगे। चलिए, इंस्टॉल के बटन पे क्लिक किया तो ये एक्सेप्ट। तो आप ये देखते हैं कि ये जो हमारी ऐप है वो 24 MB की और ये डाउनलोड होना शुरू हो गई है। तो अभी जब तक ये डाउनलोड नहीं हो जाती तो तब तक हम वीडियो को ब्रेक लगा देते हैं। तो जब ये डाउनलोड हो जाए फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं इसका क्या करना है। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी ऐप है वो अब इंस्टॉल हो रही है। तो इंस्टॉल करने के बाद आप इसको ओपन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि ये हमारी ऐप जो है वो अब कुछ इस तरह से ओपन हुई है। जी, तो ये हमारा जो है ना पंजाब सिटीज़न पोर्टल का जो है स्टार्टअप मेन्यू वो हमारा ओपन हो गया, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये गेट स्टार्टेड का बटन है, इस पर आपने क्लिक करना है। तो ये मैंने गेट स्टार्टेड पर क्लिक किया। तो मुझे पूछ रहा है कि आप अगर आपका जो पहले जो है वो एक अकाउंट बना हुआ है तो आप क्या करें, आप उस अकाउंट को यूज़ करते हुए आप लॉग इन हो गए, लेकिन जो है वो मेरा अकाउंट वो नहीं बना हुआ। तो इसके लिए जो नया बंदा होगा वो शुरू से पहले अपना एक लॉग इन बनाएगा, रजिस्टर होगा। तो रजिस्टर होने के बाद जो है वो फिर क्या करेगा, लॉग इन होगा। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो है ना एक रजिस्टर का ऑप्शन है, तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। इसके ऊपर जब नया बंदा जो भी आएगा तो वो अपना लॉग इन करने बनाएगा, उसके बाद फिर वो लॉग इन होगा। तो सबसे पहले हम रजिस्टर पर क्लिक करते हैं। तो ये देखते हैं, वो पूछ रहे हैं आपसे कि क्या आप जो है वो पाकिस्तान के शहर ही हैं या फिर आप बैरून मुल्क के शहर हैं कि या फिर आप गैर मुल्की हैं। तो इनमें से आपने जो सिलेक्ट करना है वो होगा आइसलैंड सिटीज़न, यानी कि पाकिस्तानी शहरी। तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं कि पाकिस्तानी शहरी के ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो चलें, ये हो गया हमारा पाकिस्तानी शहरी। इसमें वो आपसे आपका नंबर पूछेगा, तो मैं इसमें अपना नंबर दूँगा। तो देखते हैं, तो ये मैं अपना नंबर लिखने लगा हूँ, 0। तो ये हो गया हमारा नंबर 0354 अपना जो है नंबर एंटर कर दिया। नंबर एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं इसके नीचे जो है वो कंटिन्यू का बटन होगा, उसको अगर आपने क्लिक करना है कंटिन्यू। तो वो आपसे कह रहा था क्या आपके साथ इसी नंबर पर हम आपको जो है ना आपसे रब्ता कर सकेंगे। ओके, तो अब वो आपसे पूछ रहा है कि आपका जनाब फुल नेम क्या है। अगर आप अपना जो है वह फुल नेम एंटर करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है असगर, जेंडर में जो आपका जेंडर होगा वो आपको सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ में हम देखते हैं 3 अप्रैल 2002। तो मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो कुछ अप्रैल में है, तो वो हम लिखते हैं सबसे पहले 3/13। चलिए, हम इसको सबसे पहले लिखते हैं 1995 अप्रैल और डेट हो सकती है 30। चलिए, आपने डेट अपने देखी और उसके बाद ओके। अब उसके बाद अगर नेक्स्ट हमने क्लिक किया तो आगे आपसे पूछेगा कि आप जो है ना वो यूज़र नेम कौन सा रखना चाहते हैं जो आप लॉगिन होने के लिए यूज़ करेंगे।
तो मैं कोई भी रख लेता हूँ, मैं रख लेता हूँ 80 आशिक रख लेते हैं। ई मेल आई डी जो हम मतलब कि आप यूज करेंगे, जिस पर आपको ई मेल वगैरह आएंगी तो उसमें लिख लेते हैं हम आप सिटी 400 कि आपने साथ साथ देखने से मेरा स्टूडेंट और स्टूडेंट
کونسل میں ہم پھر اچھا لکھا بہیمین کونسل کا نام لکھنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنا ایڈریس لکھنا ہے تو ایڈریس لکھنے کے بعد اگر آپ اس میں اس کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو اگر آپ وہ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں تو اس کے بعد یہ سارا کچھ لکھنے کے بعد آپ نے کر دیا ہے سبمٹ تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جو ہے وہ اس میں تھینک یو فار اپلائنگ اپلیکیشن ہے وہ سبمٹ ہو گئی ہے